बलि का मंदिर। आपकी बहन के मंदिर में हमेशा बलि से भोग चढ़ता है। राजी इसका इस्तेमाल कर सकती है अगर वो सावधान रहे तो। उसने त्रिशूल की सही शक्तियों को समझना शुरू कर दिया। आपको मानना पड़ेगा वो कर लेगी। उसे युद्ध की कला की जरूरत होगी, ये सच है, और इनकी परीक्षा भी होगी। लेकिन शक्तिशाली होने से मेरा मतलब ये नहीं था। देखिए देवी दुर्गा, उन्होंने आपकी कहानी अपना ली है। महिषासुर, रूप बदलने वाला महिषासुर, दुष्ट आत्मा, लेकिन उसके बिना आप नहीं आती। यही समय है जब उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था। उसे कोई आदमी नहीं मार सकता। और
और यहाँ महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इसने सभी देवताओं को हरा दिया और निकाल दिया, यहाँ तक कि इंद्र को भी। जन्म देवी दुर्गा, देवों को पता था कि उनके पास यही मौका है कि वे अपने शत्रु को खत्म करने वाला कोई जीव बना सके। उनकी सारी शक्तियां एक शरीर में सभी अस्त्रों के साथ। मैं सोचता हूं आपके विचार क्या रहे होंगे। उसे हरा दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। आप शेर की सवारी करते हुए युद्ध में सबसे आगे थी, सभी देव आपके पीछे थे। एक नई हिम्मत के आपने अपने त्रिशूल से घातक प्रहार किया था। आपके चेहरे पर कोई डर नहीं था। हालांकि महिषासुर ने स्वर्ग को हिला दिया था, आपकी आंखों में युद्ध की ज्योति। यहाँ क्या हुआ था? वो इस जगह की बुराई महसूस कर सकती है। आप चौंक गए? महाबलासुर के असुरों ने भूमि देवी के एक पवित्र पेड़ को खराब कर दिया है। इस तरह की बुराई रोकने के लिए ही भगवान शिव ने उसे बंदी बनाया था। बुराई है क्या? सभी चीजें बदलती हैं। राजी को गोलू की एक झलक दिखाई। काले बादल, एक भयंकर तूफान दुनिया को तबाह करने की चेतावनी दे रहे हैं, और इन सब के पीछे शक्तिशाली और दुष्ट असुर हैं। ये रास्ता जयघर के किले के ओर जाता है। वो शक्तिशाली है देवी दुर्गा? हाँ वो है। मुझे उम्मीद है कि वो उसे सहन कर पाएगी जो वो अंदर देखेगी।
उसके लिए चुनौती होगी, लेकिन वो अपनी ताकत बढ़ा रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द महाबलासुर और उसके असुर उसके भाई को बंदी बनाने के लिए पछताएंगे। देवी दुर्गा, इतनी जल्दी ऐसा मत सोचिए। अगर महाबालासुर जीता तो आगे जाकर क्या ही बदलेगा? आपको ये स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजों पर मानवों का नियंत्रण नहीं है। सभी के विचार से आपने जन्म लिया महिषासुर का वध करने के लिए।
कभी कभी मुझे लगता है कि आप मानवो से प्रेम करने लगी है। सभ्यताएं बनती है और फिर मिटती है। मैं असुरों को जीतने नहीं दूंगी और ना ही वो सन की रहस्यवादी जो उनका मुखिया है। जो उसने भूमि देवी के साथ किया वो बहुत बुरा था। अब सकती। गोलू, मैं आ रही हूं। जयधर का किला मानवों द्वारा बनाया गया
और दुनिया के दो हिस्सों में बंटने तक असुरों द्वारा जीता गया। उपहार भगवान विष्णु। ऐसा लगता